नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एसी ब्लॉक एंड मोटर इन वाल। मतलब कोई भी वाल का जो है आप कैसे पता करेंगे कि इसमें जो है कितना नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब ब्रिक, कितना नंबर ऑफ एसी ब्लॉक लगा है और इसमें मोटर कितना लगा है, उसको कैसे निकालना है मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि ये वाल जो है आपका जो है ये जो है 6 मीटर मेरा जो है लंबा है और ये जो मेरा जो है हाइट जो है 3 मीटर है और इस वाल का थिकनेस जो है, थिकनेस हम यहां लिख देते हैं, थिकनेस मेरा जो है 0.2 मीटर है। ठीक दोस्तों, और इसका और इस हरेक ब्लॉक का साइज आपका जो देखिए ये देखिए 0.6, ये आपका 0.6 मीटर, हाइट आपका हो गया 0.2 मीटर और इसका थिकनेस जो है आपका जो है ये आपका 0.2 मीटर है। मतलब ये ब्लॉक जो है आपको जो है ब्लॉक का साइज दे दिए। अब यहाँ पे जो हम इसका जो है इस ब्लॉक का जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो वॉल्यूम ब्लॉक मेरा क्या हो जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ, 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा देखिए 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा, इसका वॉल्यूम होगा 0.024, ये आपका जो है मीटर क्यूब में आ गया। मतलब इस ब्लॉक का जो है आपका वॉल्यूम हो गया 0.24 मीटर क्यूब। हाँ, अगर इसमें जो है हम जो है मोटर यूज़ करेंगे तो सारा 10 mm का मोटर यूज़ करेंगे तो इस साइड भी मेरा जो है 10 mm जुड़ेगा और इस साइड भी जो जुड़ेगा, तो इस ब्लॉक के लिए यहाँ जुड़ गया, इस ब्लॉक के लिए यहाँ जुड़ गया और इस ब्लॉक के लिए ऊपर जो है मोटर जुड़ा। तो अब साइज क्या हो जाएगा देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ अगर 10-10 mm हम कौन कौन साइज जोड़े, मेरा जो थिकनेस में हम नहीं जोड़े हैं, मतलब कि ये जो वाल का जो थिकनेस होगा उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस साइड और उस साइड तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस साइड में और ऊपर में जोड़ना है। तो मेरा ऊपर में अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो अब यहाँ पे न्यू क्या हो जाएगा, अगर मोटर के साथ लेंगे तो इसका हो जाएगा आपको जो है 10-10 mm जोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 0.61 मीटर इस तरह। इसमें भी इसका हाइट में भी जुड़ेगा तो हाइट में भी क्या हो जाएगा 0.21 मीटर, 10-10 mm जोड़ दिए। अब क्या न्यू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ये क्या है विथ मोटर ये क्या हो जाएगा देखिए 0.61 इंटू 0. लेंथ ऑफ द ब्रेथ कितना है 2 इंटू हाइट 0.21, ये कितना हो जाएगा देखिए 0.61 इंटू 0.2 इंटू 0.21। अब न्यू वॉल्यूम मेरे को आ गया 0.0256 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो मेरे को जो है इसका वॉल्यूम निकल गया आपका मोटर के साथ का वॉल्यूम और बिना मोटर के साथ ब्लॉक का वॉल्यूम। अब जो हम जो है इसको जो अब इस वाल में जो है कितना लगेगा उसको हम बताएंगे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे जो है इस वाल का जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, तो वाल का वॉल्यूम मेरा कितना हो गया देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाल लेंथ मेरा कितना दिया हुआ 6 मीटर और ब्रेथ मेरा कितना, थिकनेस मेरा वाल का 0.2, हाइट मेरा है 3 मीटर। तो यहां पे मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा देखिए,
यहाँ वॉल्यूम आ गया दोस्तों आपका 0.6 इंटू 0.2 इंटू 3, तो यहाँ वॉल्यूम मेरा आ गया 3.6 मीटर क्यूब। तो इस पूरा वाल का वॉल्यूम मेरे को आ गया 3.6 मीटर क्यूब, और मेरे को एक ब्लॉक का, जिसमें जो है आपका जो है एक ब्लॉक का वॉल्यूम जो है आपका जो है मोटर के साथ, मोटर इसमें यूज कर रहे हैं, मोटर के साथ आपको जो कितना है 0.256 मीटर क्यूब दिया हुआ। एक ब्लॉक का वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब दिया हुआ है, और पूरा जो है वाल का मेरा 3.6 है। तो अब जो है नंबर ऑफ ब्लॉक कितना लगेगा, तो टोटल से जो है इस जितना एक ब्लॉक का है उससे डिवाइड कर देंगे, मेरा को जो है मुझे निकल जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3.6 डिवाइडेड बाय 0.0256, ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 0.0256, ये हो गया दोस्तों आपका 140.6, मतलब 141 आपका जो है इसमें ब्लॉक लगेगा, इतना नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो मतलब 141 ब्लॉक जो है यहाँ पे आपका यूज होगा। तो अब जो है 141 हो गया। अब बिना दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे जो है जितना ब्रिक लगे ब्लॉक लगेगा वो मैं निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पे जो मोटर निकालना है, तो यहाँ पे जितना मेरा जो इस वाल का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये वाल का वॉल्यूम और बिना आपको जो विदाउट जो है ये ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेने से जो है उसको जो माइनस कर देंगे वाल का वॉल्यूम में से जो है आपका जो क्या निकल जाएगा, आपका जो है ये इसमें जो है मोटर कितना लगा वो निकल जाएगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर निकालना क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों आपका 141 इंटू बिना आपका जो है मोटर का 0.024, ये कितना हो जाएगा देखिए 141 इंटू 0.024, ये हो गया दोस्तों आपका 3.384 इक्वल टू 3.384, ये आपका कितना हो गया मीटर क्यूब हो गया। अब मुझे क्या है यहाँ पे क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वाल निकल गया और बिना मोटर का जो है निकल गया मेरा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक का, तो ये इतना है। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ मोटर ये कितना हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा 3.6 माइनस 3.384, ये कितना हो जाएगा देखिए 3.6 माइनस 3.384, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0.216 मीटर क्यूब। और ये आपका क्या है अभी, ये आपका जो है वेट वॉल्यूम में है, तो ये हो गया आपका वेट वॉल्यूम, यहाँ पे वेट वॉल्यूम हो गया आपका 0.216 मीटर क्यूब। और वेट वॉल्यूम को आप जो है ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या होता है, तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम बराबर हम क्या जानते हैं, जितना आपका जो है वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए 1.33 से इंटू करना पड़ता है, ये कितना हो जाएगा 0.216 इंटू 1.33, ये कितना हो जाएगा देखिए 0.216 इंटू 1.33, ये दोस्तों आपको हो जाएगा 0.287 मीटर क्यूब। यहाँ पे आप मेरा को जो है इतना जो है आपका जो है ये मोटर लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है मुझे जो है, हम जानते हैं कि ये मोटर के लिए 4
फॉर मोटर सीमेंट सैंड रेशियो कितना होता है आपका? 1:6 होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे जो निकालना क्या है, तो सीमेंट निकालना है। सीमेंट सैंड, सीमेंट हो गया 1, सैंड हो गया 6 रेशियो में, तो सीमेंट बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है आपका? पहला जो आपका सीमेंट का रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू आपका वॉल्यूम। सीमेंट रेशियो का कितना है यहाँ पे? 1। सीमेंट रेशियो ये हो गया प्लस टोटल रेशियो 6+1=7 इनटू आपका जो है वॉल्यूम जितना है 0.287। ये कितना आ जाएगा देखिए, 1/7 जितना आया उससे इंटू कर देंगे 0.287 से, ये आ जाएगा दोस्तों आपको 0.041। ये आपका हो गया, इतना आपका हो गया मीटर क्यूब। तो हम जान इतना मीटर क्यूब, अब कितना बैग सीमेंट लगा, हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 28.8 बैग लगता है, तो इतना मीटर क्यूब में कितना बैग लगेगा? तो इसलिए नंबर ऑफ बैग इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.041 इंटू 28.8, ये आ गया 1.18। ये लगभग आपका 1.18 बैग सीमेंट, इतना आपका जो है सीमेंट लगेगा इसमें। अब सैंड की बात करते हैं, सैंड सेम जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय टोटल इनटू आपका वॉल्यूम जितना है 0.287, ये कितना हो जाएगा देखिए, 6/7 इंटू 0.0287, ये आपका आ गया कितना, 0.0246, इतना आपका मीटर क्यूब। और ये हमेशा आपका जो है सीएफटी में आता है, तो इसको जब हम सीएफटी में चेंज कर देंगे, तो सीएफटी में चेंज करने के लिए इसको जो है इनटू 35.314 से इनटू करना पड़ता है, ये आ गया आपका 0.868 सीएफटी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम समरी पे चले तो मुझे जो है यहाँ पे जो है 141 नंबर ऑफ ब्लॉक जो है इसमें लगेगा। उस हिसाब से मुझे जो है इसमें जो है 141 ब्लॉक लगेगा, और सीमेंट मेरे को जो है 1.18 बैग लगेगा, और सैंड मेरे को जो है 0.868 सीएफटी इसमें जो है सैंड यूज होगा। ठीक दोस्तों, अगर हम जो है इसमें जो है 10 mm थिकनेस का जो है मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 10 mm थिकनेस का जो मोटर को कंसीडर किया है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर ये पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। और उसका फ़ायदा क्या है ना कि जब जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।